आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और उसको पे उस पर आपको अपडेट देते हैं। वो ऑटो सेक्टर से जुड़ी है, सुबह से ऑटो सेक्टर में तेजी है, लेकिन अब ये एनजीटी ने बोला है कि दिल्ली में जो 10 साल पुराने वाहन हैं उनकी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा, उनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाए, उनको डीरजिस्टर कर दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा ट्रिगर जो है ट्रिगर ऑटो सेक्टर के लिए बनेगा, क्योंकि कंपनियों की खुद की मांग थी कि 2000 सीसी से जो ज्यादा के व्हीकल्स हैं उस पर 1% अतिरिक्त सेस लगाया जाए, उनको बैन ना किया जाए। लेकिन अब एनजीटी बोल रहा है कि जो 10 साल पुराने व्हीकल्स हैं उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए, उनको डीरजिस्टर कर दिया जाए। आरटीओ ने ये 10 साल पुरानी जो व्हीकल्स हैं दिल्ली में उनको डीरजिस्ट्रेशन करने के आदेश जारी किए हैं। असीम मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, असीम डिटेल से समझाएं क्या खबर है ये और एनजीटी ने एग्जैक्टली क्या बोला है अपने आदेश में। असीम मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो एनजीटी ने 10 साल पुराने व्हीकल्स को डीरजिस्टर करने की बात की है। असीम सुन पा रहे हैं मुझको आप? चलिए एक और अपडेट दे दूं कि ये जो नॉर्म है, ये जो फैसला है एनजीटी का, ये ट्रकों पर लागू नहीं होगा। देखिए मुद्दा ये है कि पहले 2000 सीसी व्हीकल्स रेडार पर आए, 2000 सीसी से ज्यादा व्हीकल्स पे बैन लगाने की बात हुई, सरकार ने अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम एक लार्जर प्लान, एक लार्जर पिक्चर पेश करते हैं और जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको मार्केट से वापस खरीद लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मर्सिडीज टोयोटा जैसे कंपनियों ने बोला कि 1% अतिरिक्त सेस लगा दिया जाए लेकिन पुराने व्हीकल्स को बैन ना किया जाए, खासतौर से जो नॉन पॉलिटिकल व्हीकल्स हैं उनको तो बिल्कुल ना बैन किया जाए। लेकिन अब एनजीटी ने दिल्ली में ये बोल दिया है कि जो 10 साल पुराने व्हीकल्स हैं, 10 साल पुराने वाहन, उनको डीरजिस्टर कर दिया जाए, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन रोक, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसको कैंसिल किया जाए। और सिर्फ ट्रक्स पे ये नियम जो है, क्योंकि ये माल भाड़े में ज़्यादा यूज होते हैं ट्रक्स, तो कहीं ना कहीं उस पर ये नॉर्म जो है ये लागू नहीं होगा। लेकिन जैन साहब आपका एक रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन बहुत तेजी में थे सुबह से, स्टॉक्स टाटा मोटर्स एमएनएम जैसे स्टॉक्स खबर थोड़ी नेगेटिव है इन कंपनियों के लिए, क्या टेक्निकल लेवल्स हैं एमएनएम और टाटा मोटर्स पे जो आप इंपॉर्टेंट समझते हैं? नहीं, ओवरऑल अगर देखिए आई थिंक टाटा मोटर्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है व्हेन कंपेयर टू एमएनएम, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस न्यूज से ज्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर बाय चांस मिल भी जाता है तो आई थिंक इट्स वन शुड टेक एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। टाटा मोटर्स ऊपर में 520 इसी बीच ग्राउंड रिपोर्ट जान लेते हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। असीम बताएं डिटेल से क्या खबर है आपके पास? देखिए आज एनजीटी ऑर्डर दिया है कि जिसने भी 10 साल से पुराने डीजल के व्हीकल है उनको डीरजिस्टर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आरटीओ अथॉरिटी को कहा है कि आप ये जानकारी जो है पुलिस वालों को भी दीजिए कि जितने भी 10 साल से पुराने व्हीकल है उनको दिल्ली से जो है बाहर किया जाए, यानी कि उनको अब व्हीकल जो मालिक है उनके पास ये ऑप्शन होती है कि इसको ले जाकर के किसी दूसरे स्टेट के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो वहां पे करा सकते हैं या इसको बेच सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर जो है ट्रकों के ऊपर लागू नहीं होगा, तो ट्रकों के लिए एक ये राहत बड़ी खबर है, क्योंकि तो ट्रकों के लिए पहले ही कहा गया कि एसेंशियल सप्लाईज करने के लिए उनको जरूरी होता, तो ये फिलहाल ये ऑर्डर जो है ट्रकों के ऊपर लागू नहीं होगा। मैंने अभी बोला यहाँ पर कि ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर है, पर ऐसा ये भी व्यू हो सकता है मार्केट पे कि व्हीकल्स की एकदम से डिमांड जनरेट हो जाएगी नए व्हीकल्स की स्पेशली, तो कंपनियों के वो पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है। लेकिन असीम ये तो एकदम से गाज गिरी है दिल्ली वासियों के ऊपर, क्योंकि कई ऐसे ट्रैवलर्स हैं इनफैक्ट जो पुराने व्हीकल्स यूज करते हैं और 10 साल अभी तक कोई ऐसा नोटिस आम जनता को भी नहीं दिया गया, और आज ये एक बहुत बड़ा फैसला आरटीओ की तरफ से। पहले ही ये जो एनजीटी है ऑर्डर पास कर चुका है कि 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां जो है वो दिल्ली की सड़कों से हटाई जाएंगी, लेकिन इसका ठीक से पालन जो है वो नहीं किया जा रहा था। तो अब एनजीटी ने आदेश दिया है कि आरटीओ को कि आप इस आदेश का ठीक से पालन कीजिए और जितने भी व्हीकल अगर 10 साल से ज्यादा पुराने हैं तो उनको 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 पकड़िए, उनको इम्पाउंड कीजिए, क्योंकि पिछले जब ये सुनवाई हुई थी तो उससे पूछा था क्या इम्पाउंड करने की कोई पॉलिसी है या नहीं है, तो जवाब दिया कि नाम है कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। 10 साल पुराने जो डीजल व्हीकल हैं उनको डीरजिस्टर करने की बात जो है वो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनजीटी ने की है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके रडार पर जैन साहब कौन से स्टॉक्स हैं आज की मार्केट के पर्सपेक्टिव से जहां पर तेजी और मंदी का सौदा बना सकते हैं? मैंने डीएचएफएल के लिए बाय किया था 232 का एक टारगेट और 217 के एक स्टॉप लॉस लगा के, आई थिंक वन कैन लुक एट दैट स्टॉक। और दूसरा स्टॉक हो गया एक अजंता फार्मा, अगर ये देखिए थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ब्रेकआउट है, वो रीटेस्ट किया था वो पैटर्न ब्रेकआउट में जहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन इंडेक्स भी बिल्डअप देखने को मिली थी, तो क्लियरली लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बाय करने के लिए सलाह दूंगा 1600 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के, ऊपर में 1690 का इसका लक्ष्य होगा जो अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में मैच लगता है
अचीवेबल है। और तीसरा माइंड ट्री, अगर आप देखिए सुबह से स्टॉक में अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई है, स्टॉक करीब करीब 5 से 6 रुपए डिस्काउंट में वाइडन भी हो चुका था और ओपनिंग प्राइस भी सिग्निफिकेंट बिल्डअप हुआ है, आज इसका रिजल्ट है। तो आई थिंक रिजल्ट के पहले ऐसा होना आई थिंक क्लियरली संकेत देता है कि रिजल्ट आने के चांसेस वीक है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और पैटर्न के टेक्निकली भी एक अच्छे ब्रेकआउट के आसपास ब्रेकडाउन के आसपास खड़ा है। तो आई थिंक ब्रेकडाउन होता है तो शार्पली गिरावट देखने को मिल सकती है। 630 का इसका एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें सेल करने के लिए सलाह दूंगा, नीचे में 580 का इसका लक्ष्य होगा।